2023 में भी बिहार में एनडीए का स्वरूप 2015 के विधानसभा चुनाव की तरह बनता दिख रहा है। उस समय भी विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ रामविलास पासवान की लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा, जीतनराम मांझी की पार्टी साथ में थी। मंगलवार को SC/ST कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद अब इसकी अधिक संभावना है कि वे जल्द ही विधिवत एनडीए का दामन थामेंगे। इससे ये साफ है कि इस बार भी बिहार में एनडीए का समीकरण 2015 के 20 चुनाव की तरह ही हो जाएगा। मौजूदा समय में भाजपा के साथ रालोसपा के पशुपति कुमार पारस मोदी कैबिनेट में मंत्री है, वहीं चाचा से अलग होकर पार्टी बनाने वाले चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास का प्रेम भी भाजपा के प्रति समय समय पर परिलक्षित होते रहता है। खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान की निष्ठा कभी भाजपा के प्रति कम नहीं हुई। रालोसपा का विलय कर जदयू में जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से अपनी अलग राह बनाते हुए रालोजत बना लिया है। बीते दिनों उनकी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात हो चुकी है। इस मुलाकात के बाद ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के साथ ही चुनावी मैदान में जाएंगे। इस तरह भाजपा एक बार फिर साल 2015 के विधानसभा चुनाव का ही समीकरण बनाने में कामयाब होती दिख रही है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। बात अब महागठबंधन की करें तो जदयू राजद के साथ कांग्रेस इसमें शामिल थी और ये 2015 के चुनाव के ठीक पहले बिहार में अस्तित्व में आया था। इस चुनाव में जब सीटों का बंटवारा हुआ तब NCP भी इसका हिस्सा थी। जदयू राजद को 100-100, कांग्रेस को 40 जबकि NCP को 3 सीटें मिली थी, लेकिन NCP गठबंधन से अलग हो गया और एक एक सीटें जदयू राजद व कांग्रेस में बट गई। चुनाव परिणाम भी महागठबंधन के पक्ष में आया। कुल 178 सीटों पर जीत के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। राजद 80, जदयू 71 जबकि कांग्रेस ने 27 सीटें जीती थी। अब वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव में 243 सीटों में से भाजपा 160 सीटें पर चुनाव लड़ी थी। उसे 53 और घटक दलों के खातों में 5 सीटें आई थी। सहयोगी पार्टियों में रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 40 और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 23 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरी थी। दोनों को क्रमशः 2-2 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और मांझी अकेले विधानसभा पहुंच पाए थे। इस बार लोकसभा चुनाव में भी मांझी की पार्टी ताल ठोक रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों मांझी 5-6 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। ऐसे में एनडीए में आने पर भाजपा की ओर से कितनी सीटें मिलती है ये भविष्य के गर्म में है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में ऐसी चर्चा है कि मांझी की पार्टी को गया सुरक्षित सीट दी जा सकती है। यहाँ से मांझी के बेटे पूर्व मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन उम्मीदवार हो सकते हैं। दूसरी तरफ खुद मांझी किसी राज्य के राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।